हेलो गाइस, वेलकम टू छबीज वर्ल्ड। तो आज हम बनाएंगे बचे हुए चावल से फ्राई राइस। कभी कभार बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि रात में चावल बच जाता है और सवेरे वो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि बासी चावल कोई खाना नहीं चाहता। तो आज हम नाइट के बचे हुए चावल से बहुत ही टेस्टी फ्राई राइस बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है एक बाउल के जितना चावल, एक बड़े साइज के आलू जिसको हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, एक मीडियम साइज के प्याज जिसको हमने स्लाइसेस में काट लिया है, एंड थोड़ा सा धनिया पत्ता। धनिया पत्ता मेरे पास ज़्यादा नहीं थे तो जो था जिस हाल में था हमने ले लिया है। दो हरा मिर्चा जिसको हमने बारीक काट लिया है, थोड़ा सा भींगा हुआ चना दाल, थोड़ा सा करिया पत्ता, एंड एक मीडियम साइज के टमाटर जिसको हमने बारीक काट लिया है, और थोड़ा सा भींगा हुआ चना, थोड़ा सा जीरा, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर हमने यहाँ कम यूज़ किया है, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा सरसों। तो नेक्स्ट हम यहाँ गैस में कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। कढ़ाई गर्म हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे तेल। तो अब मेरा यहाँ पे कढ़ाई गरम हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल रहे हैं तेल। एंड तेल गरम हो जाने के बाद हम इसमें डाल लेंगे मिर्चा, देन जीरा, देन सरसों, और उसके बाद डाल रहे हैं प्याज। और प्याज को हम यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे हल्का ब्राउन होने तक। उसके बाद हम डालेंगे आलू। उसके बाद टमाटर, अब हम इसमें डाल रहे हैं चना, देन चना दाल। और अब हम इसको चला लेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं हल्दी पाउडर, और अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक। नमक हमने यहाँ पे थोड़ा सा ही डाला है क्योंकि चावल में भी थोड़ा सा डलेगा। और अब हम इसमें डाल रहे हैं करिया पत्ता, और अब डाल रहे हैं जीरा पाउडर, और अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हो ये फ्राई हो चुका है। अब लास्ट हम डाल रहे हैं इसमें चावल और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम चावल में थोड़ा सा नमक डालेंगे और अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा सोया सॉस, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, हमने कलर के लिए थोड़ा सा डाला है।
तो चलिए अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और लगभग 3 से 4 मिनट तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे फ्राई राइस बनके तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो चावल कितनी खिली खिली बनी है और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और हमने यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा प्याज और धनिया पत्ता डाल दिया है। तो जब भी आपके यहाँ पर राइस बच जाए तो आप इस तरह से उसको फ्राई करके ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।